Good morning, dear friends and brothers and sisters. Greetings in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका अभिवादन. This is a grand new day. और ये एक बहुत ही महान और अच्छा दिन है. And it is the Lord who gave us this day. और ये तो परमेश्वर है जिसने ये दिन हमें दिया. And he also has already made all the provisions for us to live godly and holy life. और उसने इन सारे बातों को मुहैया भी कराया है कि हम उस पवित्र और भक्तिमय जीवन को so we have no excuse for failure. और इसलिए हमारे पास असफल होने का कोई बहाना नहीं. We fail because we are not appropriating the provisions that he has abundantly made for us to live victoriously. और हम असफल होते हैं क्योंकि हम उन बातों को उपयोग में नहीं लाते जो उसने हमारे लिए मुहैया कराई हैं. When we are going to meditate on Christian faith and Christ's resurrection. और आज की सुबह हम मनन करेंगे मसीही विश्वास और यीशु मसीह का पुनरुत्थान. And it is based on the text found in 1 Corinthians chapter 15 verses 12 to 28. और आज का मनन का जो वचन हमने लिया है वो है पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 12वें वचन से लेकर के 28वें वचन. You know, Apostle Paul described in detail and very clearly about the resurrection of Christ in this chapter. और पौलुस प्रेरित ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बड़े स्पष्ट और बड़ी गहरी रीति से इस अध्याय में बात करी है. So I want to mention three things regarding this. और इस बारे में मैं तीन बातों को आपके सम्मुख रखूंगा. Number one, पहली बात, faith in Christ's deity rests upon his fact of the fact of his resurrection. और प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर होने की बात पर विश्वास करना उसके पुनरुत्थान के द्वारा संभव है. See my friends, if Jesus Christ had not been raised from the dead. और मेरे मित्रों, अगर प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से नहीं जिलाया गया होता, his own predictions concerning his resurrection would have been falsified. और उसके अपनी खुद की बातें और भविष्यवाणियां जो उसने अपने पुनरुत्थान के बारे में कही थी वो भी गलत साबित हो जाती. If the resurrection of Christ had not taken place, और अगर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ होता, his claims would have been discredited. तब उसके सारे दावों को झूठा कहा जा सकता था. And all confidence in his divinity would have been destroyed. और वो सारा भरोसा कि हाँ वो परमेश्वर है वो टूट जाता. So remember this truth. और इसलिए सत्य को याद रखें. And the second thing is. और जो दूसरी बात है. Under this first, why the resurrection was necessary. और इस भाग के अंदर कि क्यों वो पुनरुत्थान जरूरी था? If he had not been raised from the dead, अगर उसका पुनरुत्थान मरे हुओं में से नहीं हुआ होता, he would have been proved inferior to death. तब ये साबित किया जा सकता था कि वो मृत्यु से भी कम है. Because physically he was David's son. क्योंकि शारीरिक रूप से वो तो दाऊद के गोत्र से और उसका पुत्र था. But spiritually, लेकिन आत्मिक रूप से, Jesus Christ is David's Lord. और यीशु मसीह वो दाऊद का परमेश्वर है. And if he had remained in the grave, और अगर वो उस कब्र में रहता, all the impressions the disciples had about his nature would have been vanished. तब वो सारी बातें जो चेलों ने उसके स्वभाव के बारे में देखी और विश्वास करी थी वो सब नष्ट हो जाती. Now, लेकिन अब, his claims have been confirmed. लेकिन उसके सारे दावे साबित और सच्चे हुए. Because the Bible says, क्योंकि वचन बताता है, he went into the lowest Hades, कि वो नर्ग या अधोलोक के सबसे निचले स्तर तक गया, which is the very abode of the devil, of death, जो कि मृत्यु की कोख है. Hallelujah. Hallelujah. He has overcome. और वो जयवंत है. And now the second truth about the resurrection is. और जो दूसरा सत्य है उसके पुनरुत्थान के बारे में. Faith in Christ as our Savior rests upon His resurrection. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास हमारे उद्धारकर्ता के रूप में
ये साबित होता है उसके पुनरुत्थान के द्वारा. प्लीज आई एम ओनली मेंशनिंग दीस फैक्ट्स. मैं इन सारी सच्चाइयों को बता रहा हूं. सो प्लीज लिसन केयरफुली. तो इसलिए ध्यान पूर्वक सुने. आई वांट टू मेंशन थ्री थिंग्स अंडर दिस. और इस भाग के अंदर मैं तीन बातों को बताऊंगा. नंबर वन, पहली बात, द गॉस्पल राइटर्स प्रोक्लेम्ड a Jesus who rose again from the dead. और सुसमाचार प्रचारक सुसमाचार को लिखने वाले लेखकों ने एक यीशु मसीह के बारे में लिखा जो मरे हुओं में से जी उठा. This is what Peter declared on the day of Pentecost in his sermon. और इसी बात की घोषणा पत्रस ने पेंटेकोस्ट के दिन अपने प्रचार में भी करी. You will find it in Acts chapter 2 verse 36. और उस बात को या इस प्रचार को आप प्रेरितों के कार्य उसके दूसरे अध्याय 36वें वचन में देख सकते हैं. Second thing is, और जो दूसरी बात है, the resurrection of Jesus is a token of the Father's acceptance of that redemptive work. और ये पुनरुत्थान के द्वारा या पुनरुत्थान हमें दिखाता है कि कैसे पिता परमेश्वर ने उस छुटकारे के कार्य को ग्रहण कर लिया है. And by that work, और इस कार्य के द्वारा द फॉरगिवनेस ऑफ सिन इज ऑफर्ड टू ऑल हु वुड एवर बिलीव. और इस कार्य के द्वारा उन सबको पापों की क्षमा मिल सकती है जो विश्वास करेंगे. यू सी द लव ऑफ गॉड इज यूनिवर्सल. और परमेश्वर का प्रेम तो महान और हर एक के लिए. ही लव्स द होल मैनकाइंड. और वो पूरी मानवता से प्रेम करता है. But who shall be saved? लेकिन बचाए कौन जाएंगे? That is personal. ये तो व्यक्तिगत चुनाव. Those who believe in him. जो उस पर विश्वास करेंगे. Shall not perish but have everlasting. उनका नाश ना होगा लेकिन वो अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे. And so that is because Father God has accepted the Son's work of salvation or redemption by death. On the cross. और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा उस छुटकारे के कार्य को ग्रहण किया. And today, और आज के दिन, forgiveness of sin is offered to all who will believe. पापों की क्षमा हर एक के लिए उपलब्ध है जो कोई विश्वास करे. And the third thing is, और जो तीसरी बात है, the resurrection is a spiritual power in the heart of everyone. कि ये पुनरुत्थान एक सामर्थ्य है हर एक के हृदय के भीतर जो विश्वास करता है. But please note, it is to everyone who believes. लेकिन कृपया करके इस पर ध्यान लगाए सिर्फ उनके लिए जो विश्वास करते हैं. It is a power of newness of life. और ये तो जीवन का नया बनाए जाने का एक सामर्थ्य है. It is a life of holiness. और ये है जीवन एक पवित्रता का. And of immortal life. और एक ऐसा जीवन जो नाश नहीं होगा. Hallelujah. Hallelujah. That's what he accomplished on the cross. और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उपलब्ध कर दिया. And the apostle Paul in Romans says. और पौलुस प्रेरित उस रोमियों की पत्री में कहता है. The gospel is the power of God. कि ये सुसमाचार तो परमेश्वर का सामर्थ्य है. It is the power of God unto salvation. और ये तो परमेश्वर का सामर्थ्य है उद्धार देने के लिए. But that power has its source in the resurrection of Jesus Christ. लेकिन इस सामर्थ्य का स्रोत है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान. So you understand the importance of the resurrection, why Jesus Christ should have been raised from the dead, and in fact he did. इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि पुनरुत्थान का क्या महत्व है और क्यों यीशु मसीह का मरे हुओं में से जिलाना इतना आवश्यक है. And the third truth about resurrection और जो पुनरुत्थान के बारे में तीसरा सत्य है, faith in Christ as the first fruit of the general resurrection. कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास वो पहला फल है उसके पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करने का. Rest upon his rising from the dead. जो कि निर्भर होता है उसके मरे हुओं में से जिला उठने पर. Here is the marvelous contrast between the hopelessness of the heathen. और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक बड़ा अंतर हमें दिखता है. एक हाथ पर ऐसे अविश्वासी लोग हैं जो विश्वास नहीं करते. And the confidence of the Christian
in the prospect of death. लेकिन दूसरे हाथ पर वे मसीही हैं जो विश्वास करते हैं और मृत्यु से डरते नहीं. If you read 1 Thessalonians chapter 4 verses 15 and 16. और जब आप पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका चौथा अध्याय 15वां और 16वां वचन पढ़ेंगे. When Christ comes to take away the church with the trumpet sound. जब यीशु मसीह आएगा अपनी कलीसिया को अपने संग ले जाने के लिए एक तुरही फूंकी जाएगी. The first thing that is going to happen is the dead in Christ shall be raised. और वो पहली बात जो होगी वो ये है जो प्रभु यीशु मसीह में मर चुके थे वो पहले उठा लिए जाएंगे. And also in 1 Corinthians chapter 15 verses 51 and 52. और पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 51 और 52 वचन में भी हम इसी बात को देखते हैं. In a twinkling of an eye. कि पलक झपकते ही. The dead will be raised. वो मरे हुओं को उठा लिया जाएगा. And we who are alive. और हम जो जीवित हैं. And still following Jesus. और यीशु के पीछे चल रहे हैं. Shall be changed. हम बदल दिए जाएंगे. All happen in a twinkling of an eye. ये सारी बातें पलक झपकते हो जाएंगी. The darkness of death is so thick. और मृत्यु का अंधकार इतना गहरा और मोटा है. That nothing is seen or visible. कि कोई भी बात देखी नहीं जा सकती. But for a follower of Jesus Christ. लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी जो है. He sees the glories of the celestial. तब वो देखता है उस महिमा को जो उसका इंतजार कर रही है उस दूसरे आयाम में. हालेलुया हालेलुया. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का नाम धन्य हो. And thanks be to God the Father. और धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का. He is the greatest lover of human soul. और क्योंकि वही सबसे महान प्रेमी है मानव की आत्मा का. So in closing. और इसलिए अंत समाप्त करते हुए. There are three important truths concerning Christ. And Christians clearly dearly embraced. तीन ऐसे सत्य हैं जो यीशु मसीह के बारे में और वो मसीही जो यीशु मसीह को बहुत बहुमूल्य आते हैं. We embrace Jesus as God. हम तो यीशु मसीह को पहचानते हैं उसे बहुमूल्य आंकते हैं परमेश्वर के रूप. Secondly, we embrace Jesus as our Savior. हम प्रभु यीशु मसीह को बहुमूल्य आंकते हैं अपने उद्धारकर्ता के रूप. And thirdly, we embrace Jesus as the hope of our own resurrection. और हम यीशु मसीह को बहुमूल्य आंकते हैं अपने खुद के पुनरुत्थान की आशा के लिए. Dear friends, here is the truth. और इसलिए मेरे मित्रों यहाँ पर ये सत्य है. The resurrection of Christ guarantees our own resurrection. प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात को साबित करता है कि हमारा पुनरुत्थान भी होगा. As Jesus himself said. जैसे यीशु ने खुद कहा. He who believes in me shall not die. इस जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं. Though he be dead, he shall rise again. भले ही वो मर भी क्यों ना जाए वो फिर से उठा लिया जाएगा. Never to die again. ताकि वो दोबारा कभी ना मरे. This is the living hope of a Christian who follow faithfully Jesus Christ. और ये है वो जीवित आशा एक मसीही की जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे निरंतर चलता है. My friends, if there is a life that is worth living. और मेरे मित्रों अगर एक ऐसा जीवन है जो जीने योग्य है. It's the life you live in Jesus Christ. तो वो जीवन है जिसे हम प्रभु यीशु मसीह में जीते हैं. All of the life. और सारे अदर जो जो अलग जीवन है. Not only is empty. वो ना सिर्फ खाली है. But it will cast us into the darkness of hell. लेकिन ये तो हमें नर्क के अंधकार में भेज देंगे. It is not God's design. और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं. It is my choice. और ये तो मेरा चुनाव है. So let us choose the right thing. और इसलिए आइए हम सही चुनाव करें. Hallelujah. Hallelujah. God is ever faithful. क्योंकि परमेश्वर विश्वासी योग्य है. Our heavenly Father. हमारे स्वर्गीय पिता. Thank you for blessing your people with this knowledge that you have given to them today. धन्यवाद इस प्रकाशन और इस ज्ञान के द्वारा जो तूने अपने लोगों को आज की सुबह इस मनन के द्वारा दी है. Because Jesus rose again from the dead. क्योंकि यीशु मरे हुओं में से जी उठा. All the claims he made proved to be right. और सारे दावे जो उसने किए वो सच्चे साबित हो गए. And now that we know he is alive. और जब अब हम जानते हैं कि वो जीवित है. And all he has promised us also remain true. और वो सारे वादे जो उसने हमसे किए हैं वो सत्य बने रहेंगे. May we follow this savior. होने दे हम इस उद्धारकर्ता के पीछे चलते रहें. And as God may we
worship him. और होने दे परमेश्वर होने के नाते हम उसकी आराधना करते हैं। As Savior, let us trust him. और एक उद्धारकर्ता के रूप पे हम उसके पर विश्वास करें। And as the baptizer in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देने वाले के रूप में। Let us be filled with the Holy Spirit. होने दे हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। And as the hope of our resurrection. और जबकि वो हमारे पुनरुत्थान की आशा है। Let us look unto him. And run this Christian race. होने दे हम उसकी ओर देखें और इस मसीही दौड़ को दौड़ते रहें। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। It is never His desire to see you lost eternally. और ये कभी भी उसकी इच्छा नहीं है कि वो अनंत रूप से आपको खोया हुआ पाए। The Lord's mercy be manifested in your life. होने दे परमेश्वर की दया आपके जीवनों पर। Have a wonderful day. एक अद्भुत दिन आपका बीते। Live for Him. उसके लिए जिए। Live with Him. उसके साथ जिए। Enjoy His presence and His love. उसके उपस्थिति और प्रेम का आनंद लें। He gives us meaning and purpose in life. क्योंकि वो जीवन का अर्थ और उद्देश्य हमें देता है। आमेन। आमेन।